हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की साइंस का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब कि जो हमारे पास आसपास मैटर है, जो भी चीजें हैं, वो प्योर है कि नहीं है, ये हम इसमें जानेंगे। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास मैटर के टाइप हो सकते, कैसे कैसे फॉर्म में हो सकता है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग मैटर को डिवाइड कर रहे थे या क्लासिफाइड कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहली लाइन आपको दिख रही होगी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो मैटर को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। वो जो आपकी और थी, जो बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा दो और थी, वो जो है उसमें मतलब वो मेन हमारी स्टेट नहीं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस ही मेन हमारी स्टेट होती है, ठीक है। तो तीन स्टेट हमें मिल गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन यहाँ जो सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले प्योरिटी के बारे में पढ़ने वाले कि प्योर सब्सटेंस है या फिर नहीं है, मैटर प्योर है या फिर नहीं है या इम्प्योर है, तो वो कैसे क्लासिफाई होता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो इस तरह से हमारे दो तरीके के सब्सटेंस हो सकते हैं या फिर मैटर हो सकता है। कैसे, प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब ही होता है कि एक से अधिक, ठीक है, दो से अधिक, सॉरी, दो या फिर दो से अधिक, ठीक। तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस में केवल एक ही टाइप का एलिमेंट या फिर कंपाउंड होगा, जबकि मिक्सचर में क्या होगा, दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड हो सकते हैं। बेसिकली जो मेन मुद्दा है वो यही है। अब चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से पढ़ने वाले। पहली चीज मैटर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि मैटर क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद मैटर दो पार्ट्स में और डिवाइड हो सकता है, केमिकल बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे दो पार्ट में हम इसको सब डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, एक तो प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में और दूसरा मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस भी दो तरीके के हो सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अब देखिए एलिमेंट और कंपाउंड है, यहाँ पे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है। चलिए इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि ये मोटे मोटे क्या होता है, ठीक है। पहली तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं ये एक सिंगल टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, सिंगल टाइप का कंपाउंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल आयरन हो गया आपका, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे लिखते जाते हैं आपका, यहाँ पे प्योर सब्सटेंस में हम लोग ले सकते हैं क्या, आयरन हो गया आपका, ठीक है। आयरन को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, और सोडियम हो गया आजकल बड़ी मांग में जो कि O2, ऑक्सीजन हो गया। तो इसमें क्या है, केवल O है, इसमें केवल Na है, इसमें केवल Fe है। इस तरह के जो मेटल्स होते हैं या फिर जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टाइप का एलिमेंट है, O है। O2 में सिर्फ O ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। Na में सिर्फ Na ही है और कुछ नहीं है सोडियम में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। किस फॉर्मेट में, एलिमेंट के फॉर्मेट में। ये सब क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। और कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, मतलब एलिमेंट के मिलने से जब कोई नया कंपाउंड क्रिएट होता है तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं, एलिमेंट जब उसमें मिलते हैं तो, ठीक है। तो ये देखिए कंपाउंड में क्या होगा, जैसे H2O है, ठीक है, H2O एक कंपाउंड हो गया, ठीक है। इसमें एच और ओ है, लेकिन H2O ही सारी जितने मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, H2O होंगे, मतलब वाटर के होंगे, ठीक है। उसके अलावा NaCl, ये क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है। NaCl मतलब नमक, H2O मतलब वाटर, ठीक है। इस तरीके से जो हम कंपाउंड क्रिएट करते हैं वो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि प्योर वाटर आपका हो गया, तो प्योर वाटर प्योर सब्सटेंस के अंडर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं सेकंड वाला, मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में आपका दो या दो से अधिक सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग वाटर और सॉल्ट को मिक्स कर दें, ठीक है, वाटर और सॉल्ट को मिक्स कर दें, तो क्या होगा कि जो है सॉल्ट वाटर में पूरी तरीके से घुल चुका होगा, मिक्स हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक। तो यहाँ पे भी आपके दो तरीके के मिक्सचर हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एक चीज याद रखिएगा, होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं आपके वो प्रॉपरली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं और
हम उन्हें नॉर्मली नेक्ड आई से देख नहीं सकते या फिर हाथ से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस वो मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, जिसमें कि दोनों एक में एक दूसरे में घुल तो जाते हैं, कंपाउंड जितने भी होते हैं या फिर जितने भी एलिमेंट होते हैं आपस में मिक्स तो हो जाते पर हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है, हम उसे नेट डाई से देख सकते हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हिंदी में बोलते हैं होमोजीनियस को समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस को विषमांगी मिक्सचर, सॉरी मिश्रण। तो विषमांगी मतलब एक दूसरे में पूरी तरह से घुले नहीं है। जैसे कि हमने मान लीजिए बालू और मोरंग जो जिससे हम लोग के घर बनते हैं वो मिक्स कर दी या कंक्रीट मिक्स कर दी, तो उसे हम अगर एक एक करके बिनने की कोशिश करें या अलग अलग करने की कोशिश करें तो हम लोग देख सकते हैं और कर भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर जैसे कि आप नमक पानी या फिर शुगर और वाटर को मिक्स कर दें तो दोनों ही केस में हम लोग को उसको घोल चुके हैं तो हम लोग उसे अलग नहीं कर सकते नॉर्मली, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू अलग किया जा सकता है। तो ये था मोटा मोटा इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर का, अब इसके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे आगे की स्लाइड में। तो देखिए कि जैसा कि हमने अभी तक देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, किस तरीके से हमने उसको पूरा समझा, उसके डिफरेंट पार्ट्स या फिर क्लासिफाइड जो भी उसके सेक्शन थे, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, अब इन्हीं सारे पार्ट्स को हम थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स, अब इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक सब्सटेंस जो कि सिंगल टाइप के एलिमेंट या फिर कंपाउंड से मिलकर बना होता है, यानी कि अगर हम H2 की बात करें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया H2 हाइड्रोजन गैस है, तो इसमें केवल हमें एक ही एलिमेंट मिलता है H, और H के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं मिलता है। H2 एक मॉलिक्यूल ज़रूर है बट उसमें एलिमेंट सारे क्या हैं, H एटम है, ठीक है। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो प्योर सब्सटेंस क्या है, जिसमें केवल सिंगल टाइप का एलिमेंट या फिर कंपाउंड की बात करें तो H2O, H2O वाटर है। अब वाटर का हर मॉलिक्यूल H2O ही होगा, मतलब एक सिंगल टाइप का कंपाउंड होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड, ओके। तो इसमें हम क्या क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं, आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट एट्सेट्रा, ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इनसे रिलेटेड। आप देखते हैं मिक्सचर के बारे में, अब मिक्सचर में क्या लिखा है, देखिए, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल, एयर, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर एटसेट्रा। तो मतलब कि जो मिक्सचर होता है वो दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को आपस में मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मिक्सचर, हम कई चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं, जैसे कि अब आपका जब घर बन रहा होता है तो उसमें कंक्रीट और मोरंग बाकी चीज़ें मिक्स की जा सकती हैं, ठीक है। और जैसे आप शरबत पीते हैं तो उसको भी आप मिक्स करके ही बनाते हैं, मैंगो बनाते हैं तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिक्स करके एक हम लोग जूस बनाते हैं मैंगो, ठीक है। तो उसी तरीके से मिक्सचर, हम उसी मिक्सचर को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस हों, ठीक है। अब जैसा कि आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे स्लाइड में मेंशन किया गया है कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंट क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंस में पहला डिफरेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप एलिमेंट और सब्सटेंस और कंपाउंड, और मिक्सचर में क्या होता है, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस के मिक्सचर को मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड, मतलब हम फिजिकली प्योर सब्सटेंस को तोड़ नहीं सकते पर मिक्सचर को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है।
A pure substance has its own definite properties and mixture shows the properties of its component. मतलब प्योर सब्सटेंस जो होता है वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है. ओके, फॉर एग्जांपल प्योर सब्सटेंस आप खुद हो तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी, आपकी जो भी अच्छी बुरी आदतें होंगी वो क्या होगी, आपकी आदतें होंगी. तो मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी है. लेकिन जब आप एक किसी स्कूल में पढ़ते हो या किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हो, वो मिक्सचर हो जाता है. तो उसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरह के उनकी आदतें होंगी, अलग अलग तरह के उनके बिहेवियर होंगे. तो उन सब से मिलके ग्रुप का कुछ ना कुछ डिसीजन मिलता होगा, या फिर कोई भी चीज़ डिसाइड होती होगी तो ग्रुप के लोगों के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती होगी. तो वो बिहेवियर सबके मिलने से आता है. ठीक है, तो मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट. मतलब जितने भी लोग उस ग्रुप में हैं तो उनके कंपोनेंट के हिसाब, उनको अगर हम कंपोनेंट माने तो उनके बेसिस पे ग्रुप का बिहेवियर होता है. ठीक है, या फिर डिसीजन होता है. तो मिक्सचर को हम अगर ग्रुप मान लेते हैं तो मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट. अब चलिए आगे देखते हैं. अब बताया गया टाइप्स ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर टू टाइप्स के मिक्सचर होते हैं. हम लोगों ने बेसिक उसका जो डिफरेंस होता है वो पता कर लिया था. अब हम इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके देखते हैं. मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप, दे आर होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. तो होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में हम लोग बात करते हैं. होमोजेनियस मिक्सचर इज़ अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है कि जिसमें सब कुछ सेम रहता है. उसका हम छोटा पार्ट कर लें, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक, खैर पहले हम लोग पूरा सारे पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे. ओके, द पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकटाइज. हम नेकटाइज से नहीं देख सकते. द पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता. द मिक्सचर इज स्टेबल, द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन. मतलब कि ऐसा नहीं होता कि उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाए. द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर. मतलब मिक्सचर में लाइट पास नहीं हो सकती है. लाइट पास नहीं हो सकती मतलब अंदर आपको विजिबल नहीं होगी. ठीक है, तो देखिए पहला जो इसका पॉइंट था, इज़ अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. अब देखिए आपने एक जो है जूस बनाया, फिर से हम लोग मैंगो या लस्सी किसी भी तरह का जूस देख लेते हैं. ठीक है, सॉरी आपने एक जूस बनाया. ठीक है, तो जूस में क्या होता है, आप एक साथ पूरा जूस बनाते हैं, अब उसके आप पाँच अलग अलग पार्ट कर देते हैं, यानी कि पाँच ग्लास में अलग अलग निकालते हैं. ठीक है, पांच ग्लास में पांच लोगों को देंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि किसी में कुछ ज़्यादा हो, किसी में कुछ कम हो, और किसी के में चीनी कम हो जाए, किसी में ज़्यादा हो जाए, क्योंकि उसी जूस के अलग अलग पार्ट हैं. तो ये क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन. मतलब हर गिलास में क्वांटिटी सेम है. क्वांटिटी सेम है का मतलब गिलास कितना भरा है, कितना कम है वो नहीं, क्वांटिटी सेम है का मतलब हर गिलास में जितना भी जूस है उस सबकी मिठास, उसका पीलापन, उसमें जो भी ऑरेंज जूस पड़ता है, चेरी पड़ता है, वो सबका स्वाद एकदम सेम होना चाहिए. तो इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन. मतलब हर तरह, मतलब जितने भी गिलास में जूस है वो सब एक ही जैसा है. ठीक है, यूनिफॉर्म है. तो वो मैं स्वाद के हिसाब से बोल रहा हूँ, पर यहाँ पे मिक्सचर के केस में भी सेम इसी तरीके से है कि मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं. अब द पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकटाइज. अब देखें हम लोग जूस में बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं. ठीक है, पर क्या हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं डायरेक्टली, नहीं देख सकते हैं. ठीक है, मैंगो जूस में आप सब कुछ नहीं देख सकते, ना चीनी देख सकते हैं, ना दूध देख सकते हैं, ना फिर मैंगो देख सकते हैं. कभी कभी मैंगो दिख भी जाता है क्योंकि पूरी तरीके से मिला हुआ नहीं होता है, लेकिन हर पार्टिकल को आप ऐसे नहीं देख सकते. ठीक है, द पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन. मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप उसे छन्नी से छानें और चीनी अलग हो जाए और जूस अलग हो जाए. ठीक है, तो ये प्रॉपरली मिक्स हो जाता है इस वजह से, तो हम उसे छान कर अलग नहीं कर सकते हैं. उसके बाद द मिक्सचर इज स्टेबल, द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन. मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने देखा होगा
पानी में बालू नीचे बैठ जाती है, तो ऐसा नहीं होता है मिक्सचर के साथ कि जो है उसमें जो दूसरा एलिमेंट है या फिर जो भी दूसरा पार्टिकल है, जैसे कि पानी में चीनी मिलाई गई है तो चीनी नीचे बैठ जाए पानी में। तो इस तरीके को हम बोलते हैं कि डू नॉट सेटल डाउन, द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। आप मैंगो जूस बनाकर उसमें से कोई लाइट पास करेंगे तो आपको मैंगो जूस में आपकी लाइट नहीं दिखेगी, विजिबल नहीं होगी, ठीक है, और ना ही वो पास कर पाएगी उसको, ठीक है। इसी तरह के एग्जांपल कुछ और है, जैसे मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर एक्सेट्रा, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल है। अब हेट्रोजीनियस के बारे में हम लोग देखते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि कहीं कम और कहीं ज़्यादा मिले। मान लीजिए आपने एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाया तो ऐसा हो सकता है कि किसी ग्लास में चीनी ज़्यादा हो जाए, किसी में कम हो जाए। मैं एक एग्जांपल के लिए लेके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग जूस को हेट्रोजीनियस भी मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, द पार्टिकल आर विजिबल बाय नेक्ड आई, इसे हम देख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, अपनी आँखों से। द पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके इसे सेपरेट किया जा सकता है। द मिक्सचर इज अनस्टेबल इन द पार्टिकल सेटल डाउन, ठीक है। मतलब मिक्सचर अनस्टेबल होता है और पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, और द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर, ठीक है। तो इसमें हम कैसा ले सकते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करें कि पानी में बालू मिला दीजिए या फिर पानी में मोरिंग मिला दीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि जब आप उसको मिलाएंगे तो किसी गिलास में मोरिंग ज़्यादा पहुंच जाएगी, किसी गिलास में मोरिंग कम पहुंचेगी, किसी गिलास में पानी हो सकता है आप सेम भी रखें लेकिन कंपोजिशन सेम नहीं रहेगा, ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो द पार्टिकल आर विजिबल बाय नेक्ड आई, हम उसे आँखों से देख भी सकते हैं, ठीक है, बालू हमें दिख जाएगी क्योंकि उसमें घुलेगी नहीं प्रॉपरली, जो चीज़ घुलती नहीं है वो हेट्रोजीनियस हो जाएगी। फिर द पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मतलब अगर हम उसे छानेंगे छन्नी से तो पानी अलग हो जाएगा और मोरंग अलग हो जाएगी या बालू अलग हो जाएगी, ठीक है। द मिक्सचर इज अनस्टेबल, द पार्टिकल सेटल डाउन, थोड़ी देर आप रखेंगे तो बालू अपने आप ही पानी के नीचे वाले फ्लोर पर जम जाएगी या फिर बैठ जाएगी, ठीक है। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर, तो इस केस में जब बालू नीचे बैठ जाएगी तो आपका जो लाइट का पाथ होगा वो क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है, किसमें, मिक्सचर में। अगर आप जो है मिक्सचर से पास करेंगे वो लाइट तो आपको वो पाथ जरूर विजिबल होगा और दिखेगा, ठीक है। मिक्सचर ऑफ, जैसे इसमें एग्जांपल दिए गए, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एटसेट्रा, ठीक है। तो अब चलिए आगे देखते हैं। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलके एक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हम उस मिक्सचर को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। सब्सटेंस इन लेसर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट एंड सब्सटेंस इन लार्जर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब जो चीज हमारे पास लार्जर क्वांटिटी में होगी सॉल्यूशन में तो उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो चीज लेसर क्वांटिटी में होगी उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। या एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द शुगर एंड वाटर इन दिस सॉल्यूशन, जो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन उसमें वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट, क्योंकि शुगर वाटर के सॉल्यूशन में वाटर हमेशा ज्यादा होता है और शुगर हमेशा कम होती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम इसके कुछ तीन चार पॉइंट, चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये हम लोग देख चुके हैं होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं सेकंड, द
The particles of solution are so small that they can't be seen by naked eye. मतलब हम इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते. क्या आप देख सकते हैं? अगर वॉटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है तो क्या आप इसे नेक्ड आई से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से एक दूसरे से मिक्स हो जाता है. ठीक है, तो दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन. मतलब सॉल्यूशन से अगर आप एक लाइट बीम पास करेंगे तो वो उसको ऐसे फैलाती नहीं है, मतलब उसको स्कैटर नहीं करती है. तो ये भी एक इफेक्ट होता है. किसका? मतलब प्रॉपर्टी होती है किसकी? सॉल्यूशन की. द सॉल्यूट पार्टिकल, अभी सॉल्यूट सॉल्वेंट पढ़ा था हम लोगों ने, सॉरी, द सॉल्यूट पार्टिकल कांट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्टर करके, मतलब कि जैसे कि हम लोग किसी चीज से छान के उसे फिल्टर करके हम लोग अलग नहीं कर सकते. जैसे कि आप चाय से चाय पत्ती छान के अलग कर देते हैं, वैसे आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को नहीं सेपरेट कर सकते. किससे? सॉल्यूशन से. अगर कर सकते होंगे तो आप करके देखिएगा एक बार कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. तो चलिए अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं. तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो मेन जो हम लोग अपने घरेलू लैंग्वेज में बोलते हैं वो क्या होता है? गाढ़ा. कोई चीज कितनी गाढ़ी है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हिंदी में बोलते गाढ़ा. ठीक है, और इसे हम सांद्र भी बोलते हैं. तो सांद्र का मतलब कोई चीज कितनी गाढ़ी, कोई मिक्सचर कितना गाढ़ा है. जैसे कि आप ये दूध लेते होंगे तो दूध में क्या होता होगा उसको आप देखते हो कि कितना गाढ़ा दूध है. ठीक है, तो वो क्या? कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क बोलेंगे हम उसे. ठीक है, या टोंड मिल्क बोलते हैं हम लोग एक्चुअल में. टोंड मिल्क लेके आता है. ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती है. तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट का मतलब, अब जैसे आप पानी में शुगर जो है मिलाते जाएंगे, ठीक है, मिक्स करते जाएंगे वाटर में शुगर, तो शुगर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो शुगर की कितनी क्वांटिटी है किसमें? वाटर में या फिर उस सॉल्यूशन में, उसके मास के हिसाब से या उसके वॉल्यूम के हिसाब से वो हमारा क्या डिनोट करेगा? कॉन्सेंट्रेशन. तो वही चीज यहाँ पे लिखी है. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट. मास और वॉल्यूम के बेसिस पे भी हम लोग देख सकते हैं ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट. ठीक है, तो चलिए अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं. मास By mass percentage और mass by volume percentage. Mass by mass percentage का मतलब जो पहला मास लिखा है, mass upon mass, मतलब पहला मास जो है वो किसका है? सॉल्यूट का है. मतलब हम सॉल्यूट को मास में ले रहे हैं, सॉल्यूट का मास ले रहे हैं और सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट का भी मास ही ले रहे हैं. ठीक है, परसेंटेज उसके बेसिस पे निकाल रहे हैं. तो देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 लगा देते हैं. अब दूसरे केस में क्या था? मास और वॉल्यूम. तो अब देखिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. तो मास बाय वॉल्यूम क्या होगा? पहला सॉल्यूट का हमेशा मास ही लेंगे और सॉल्यूशन का परसेंटेज वॉल्यूम लेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे. तो यहां पे क्या होगा? यहां पे भी इस तरीके से आप लोग फाइंड करेंगे. अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं. तो देखिए, हमारा कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. ठीक है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट क्या होता है भाई? NaCl. ठीक है, NaCl होता है हमारा कॉमन सॉल्ट. तो ये हमारा कितना है? कॉमन सॉल्ट कितना है? कॉमन सॉल्ट है हमारा 20 ग्राम. ठीक है, 20 ग्राम हमने लिख लिया. अब जो सेकंड नंबर पर दिया है इन 250 ग्राम ऑफ वाटर. तो वाटर कितना है? वाटर हमारा क्या होता है? H2O. ठीक है, H2O होता है हमारा. तो ये कितना है? 250 ग्राम. अब देखिए, मिक्सचर में अगर दो ही चीजें हैं तो टोटल मिक्सचर का, मतलब टोटल सॉल्यूशन में अगर दो ही चीजें हैं तो सॉल्यूशन का टोटल मास कितना आ जाएगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, दोनों को मिला के लिख देंगे, 250 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा? 270 ग्राम. ओके, अब बात आई कि हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करेंगे. तो जो चीज कम है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट. तो वॉटर हमारा क्या हो जाएगा? वॉटर हमारा हो जाएगा यहां पर सॉल्वेंट. ठीक है, और
ये जो हमारा सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। अब भाई कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो हमें सॉल्ट के बेसिस पे निकालना होगा, ठीक है। तो मास बाय मास परसेंटेज, मास कम मास बाय मास परसेंटेज के हिसाब से अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे मास बाय मास परसेंटेज के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट का मास यानी सॉल्यूट का मास, मास ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला था, फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास, मास बाय मास बोला है तो मास बाय मास, मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ओके। तो यहां पे क्या होगा, ऊपर क्या है 20 है और नीचे 270 ग्राम का आपका सॉल्यूशन है, इनटू 100 कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, वही आपका कॉन्सेंट्रेशन है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, 200 बाय 27 आ जाएगा यहां पे, ठीक है, 200 बाय 27 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कितना आएगा, लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ओके। तो ये आपका हो गया है, ठीक है। आप ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बताएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो बताएगी, तो आप इसको मैं शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप वहां से इसको पढ़ लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो प्रॉपर्टी को और भी डिटेल में लिख सकते हैं यहां से, और ट्रू सॉल्यूशन सॉल्यूशन एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। A colloidal solution is a heterogeneous mixture of two or more substances. For example, mixture of starch in water, mixture of egg albumin in water, milk, air containing dust and smoke, etc. Okay? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में आपके 5 प्रॉपर्टीज़ मेंशन है, एक एक करके हम उन्हें भी डिस्कस करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, मतलब कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं डायरेक्टली, ओके। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ओके, मतलब हम उसे छान के अलग नहीं कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल, सॉल्यूट पार्टिकल अलग अलग होकर नीचे नहीं बैठते हैं, मतलब कि जैसे आप पानी में बालू देखते हैं तो वो बालू नीचे बैठ जाती है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। हेटरोजीनियस मिक्सचर ज़रूर होता है बट इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स अलग से नीचे नहीं बैठते हैं और सॉल्यूशन स्टेबल रहता है। द पार्टिकल्स स्कैटर a beam of light passing through it and the path of light is visible in the solution, okay। तो ये क्या करता है, light beam को scatter करता है और इससे light का path visible होता है solution में, ठीक है। तो colloidal solution भी आपको पता चल गया, हेट्रोजीनियस पिक्चर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं उसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं सस्पेंशन के बारे में। ए सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, एक सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मिक्सचर है और हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर है, ओके। तो सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर,
एट्सेट्रा। अब प्रॉपर्टी सस्पेंशन की भी देख लेते हैं, सब लगभग सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी मैं इनके तीनों को कंपैरेटिवली एक साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन के बारे में हम लोग देखें तो पांच प्रॉपर्टीज आपकी मेंशन हैं। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कि हम लोग को पता है कोलाइडल भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर था और सस्पेंशन भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पर एक बेसिक डिफरेंस है कि द पार्टिकल कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, मतलब कोलाइडल में आपका क्या था, हम लोग नेक्ड आई से पार्टिकल को अलग अलग नहीं देख सकते थे, लेकिन सस्पेंशन में ऐसा नहीं है। सस्पेंशन में हम लोग नेक्ड आई से सारे पार्टिकल्स देख सकते हैं। ये आपका दोनों में डिफरेंस हो गया। पहला, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये दूसरा डिफरेंस हो गया कि आप कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, छान कर नहीं अलग कर सकते, लेकिन इसमें सॉल्यूट पार्टिकल को आप छान कर अलग कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। ओके, तो इस केस में क्या होता है, सस्पेंशन जो होता है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ओके, जैसे आप एक बड़ी सी बड़े से गिलास में या फिर किसी भी बर्तन में आप जो है पानी रखें और उसके अंदर कुछ बालू या मोरंग मिला दें, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, मोरंग या बालू नीचे बैठ जाएगी, नीचे मतलब गिलास के नीचे वाले तल पर जमा हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज नॉट स्टेबल या फिर अनस्टेबल। द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन, मतलब कि ये भी स्कैटरिंग इफेक्ट शो करता है बीम ऑफ लाइट के प्रेजेंस में और उसका पाथ भी विजिबल होता है सॉल्यूशन में। अब चलिए इसके बारे में देखते थोड़ा और आगे पढ़ते। तो देखिए, हमने पढ़ा सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो आपको लगभग तीनों एक ही जैसे लगे होंगे क्योंकि तीनों में ही सेम चीज़ें लिखी थी, लेकिन कुछ चीज़ों का डिफरेंस था। अब देखिए, यहाँ पे आपको डिफरेंस ही बताया गया है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्या क्या डिफरेंस है वो बताया जा रहा है। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ जो मेजर डिफरेंस होता है इन तीनों में, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में, वो पार्टिकल साइज का होता है कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है और कोलाइडर क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का साइज होता है पार्टिकल का, और सस्पेंशन में थोड़े ज़्यादा यानी कि 100 नैनोमीटर से अबव का साइज होता है। तो जो इनके पार्टिकल्स होते हैं उनके बेसिस पे हम इसे सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में डिवाइड करते हैं। बाकी तीनों की प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होती हैं, पर क्योंकि सस्पेंशन में जो है कोलाइड पार्टिकल्स का साइज बढ़ सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज बढ़ गया है, तो इस वजह से अब इसमें विजिबिलिटी की भी बात आती है कि हम किस में देख सकते हैं और किस में हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कोलाइड में हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, सॉल्यूशन में नहीं देख सकते, पर सस्पेंशन में हम नेक्ड आई से देख सकते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स को। अब अपीयरेंस, क्लियर, क्लाउडी एंड क्लाउडी। अब सेपरेशन के बारे में, अगर हम देख नहीं सकते तो हम उसे सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं, सॉल्यूशन में सेपरेट नहीं होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और कोलाइड में भी सेपरेट नहीं होगा, लेकिन सस्पेंशन में सेपरेट हो जाएगा या फिर सेटल डाउन हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे। फिल्टरेबिलिटी, पास थ्रू द फिल्टर पेपर, पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब देखिए, सेपरेशन का ही केस फिल्टर में ही है, बस रिवर्स में समझ लीजिए। सेपरेशन का मतलब ये है कि हम उसे सेपरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर कर लेंगे तो इसका मतलब एक पार्टिकल, मान लीजिए हम छन्नी से कुछ छानते हैं तो हम दो चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं,
और वही चीज़ वो उस छलने के लिए या फिल्टर जो है उसके लिए वो क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन हम पूरी तरह छन जाता है, इसका मतलब वो सेपरेट नहीं होता है, पास स्त्रोत फिल्टर पेपर होता है। सेकंड केस में कोलाइड, ये सेपरेट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी फिल्टर पेपर से पास कर पाएगा और फिल्ट्रेशन हो जाएगा इसका प्रॉपर। पर सस्पेंशन में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, इसका मतलब फिल्टर पेपर में सारी चीज़ें पास नहीं हो पाती हैं, पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ठीक, इफेक्ट ऑफ बीम ऑफ लाइट, लाइट कैन पास थ्रू स्कैटर लाइट, लाइट कैन नॉट पास थ्रू, मतलब सॉल्यूशन में लाइट सिंपली पास हो जाएगी, कोलाइडर में फैल जाएगी, स्कैटरिंग इफेक्ट आएगा, और सस्पेंशन में क्या होगा, सस्पेंशन में पास नहीं हो पाएगी। एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया सॉल्यूशन, और मैनोनाइस हो गया कोलाइड, या फिर मैनोनाइस के जगह आप मिल्क ले सकते हैं। ठीक है, मिल्क को में भी दो पार्टिकल सॉल्यूट सॉल्वेंट होते हैं पर वो हमें नहीं दिखते हैं, मतलब उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग, लेकिन वो हमें दिखते क्यों नहीं हैं, क्योंकि कोलाइड है वो। ठीक, सस्पेंशन में मडी वाटर, ठीक है, मडी वाटर हो गया, या फिर मडी वाटर की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपके डेली बेसिस पे आपको दिख सके, जैसे कि आप पानी में बालू देख सकते हैं, वो आपके घर पे मिल जाती है आराम से, मिल जाती है मतलब कई घरों में मिलती है, पानी में बालू आती है, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये बेसिक से डिफरेंस है, इनके बेसिस पे आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन होगा, कौन सा कोलाइड होगा, कौन सा सस्पेंशन होगा। यूजुअली सस्पेंशन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, पर सॉल्यूशन और कोलाइड में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ओके, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो भी किसका, पार्टिकल साइज का डिफरेंस है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, तीनों एक जैसे हैं पर एक जैसे नहीं हैं, तीनों अलग अलग हैं। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, द कोलाइड पार्टिकल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल इन द सॉल्यूशन, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। देखिए, जब कोई लाइट बीम जो है पास होती है कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो क्या होता है, जो लाइट बीम के पार्टिकल होते हैं वो, सॉरी, कोलाइड पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट बीम को स्कैटर कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं। आप वो नीचे एक फिगर देख रहे होंगे जिससे एक खिड़की से रोशनी आ रही है, तो कैसे आ रही है, देखिए, फैल कर आ रही है। ठीक है, लाइट बीम होने के बावजूद, ऐसे जैसे कि ये जंगलों में आती है रोशनी, और इधर दो सॉल्यूशन रखे हैं तो उसमें भी जो है दिखाया गया है, ठीक है, कैसे लाइट बीम पास हो रही है, मतलब वो फैला दे रही है लाइट को। ठीक, तो ये क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स इन अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल। तो हमारे रूम में जब लाइट एंटर होती है किसी स्मॉल होल के थ्रू, तो वो स्कैटर क्यों करती है, क्योंकि डस्ट और स्मोक पार्टिकल का कोलाइड सॉल्यूशन एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है, उनकी वजह से वो स्कैटरिंग इफेक्ट वहाँ पे शो होता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन अ डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट, मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में जब वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं तो भी फॉरेस्ट में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इफेक्ट देखने को मिलता है हमें। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, टिंडल इफेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं। प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री में एलिमेंट कंपाउंड यही सब है आपके में, और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता,
सिवाय केमिस्ट्री में है ही क्या, केमिकल एलिमेंट कंपाउंड यही सब मिलता है हमें, और यही सब आपका ज़िंदगी भर साथ निभाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट आर ऑफ थ्री टाइप्स, दे आर मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड्स। देखिए एलिमेंट क्या होते हैं, एक सिंपल टाइप के मैटर होते हैं या एक फॉर्म होती है जो सबसे छोटी यूनिट कह सकते हैं आप, एटम जैसी, तो लेकिन हम उसे ब्रोक नहीं कर सकते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स में, क्योंकि अगर H है तो वो हाइड्रोजन एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन एलिमेंट को हम लोग अलग अलग तोड़ के क्या निकालेंगे, उससे कुछ नहीं निकलेगा और वो एलिमेंट को तोड़ा भी नहीं जा सकता है। अगर आपका H2O यानी वाटर है तो हम उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर सकते हैं, पर केवल हाइड्रोजन का एलिमेंट है, केवल H एलिमेंट है तो आप क्या करेंगे, उसे अलग नहीं कर सकते हैं। Fe एलिमेंट है तो उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए लिखा है विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए ये कितने तरह के होते हैं एलिमेंट, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स। मेटल्स आपको पता है जितनी भी धातुएं होती हैं, नॉन मेटल्स जो धातुएं नहीं होती हैं, और मेटलाइड्स मतलब जिनमें थोड़ा सा धातुओं वाला पोर्शन और अधातुओं वाला पोर्शन मिक्स होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो दे हैव लस्टर, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर सोनोरस। देखिए लस्टर होते हैं, मैलिएबल, डक्टाइल होते हैं, कंडक्टर होते हैं गुड इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के, मतलब कि देखिए, और दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, मेटल्स में जब भी आप कोई चीज़ दूसरा मेटल या फिर उसमें चोट करेंगे या उसको हिट करेंगे तो टन से एक आवाज़ आती है, उसको हम बोलते हैं सोनोरस, ठीक है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, और मैलेबल और डक्टाइल का मतलब हम उसे पीट सकते हैं और उसको खींच कर उसे लंबा भी कर सकते हैं, ठीक है। लस्टर मतलब सुनहरा, मतलब सुनहरा क्या मतलब है, ये कह सकते हो जो शाइनिंग हो थोड़ा, तो जितने भी मेटल होते हैं वो क्या शाइन करते हैं, ठीक है। मैलिएबल का मतलब क्या है, हम उसे पीट पीट कर उस पर हथौड़े से उसे चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को। और डक्टाइल का मतलब उसको खींच के एक तार के फॉर्म में भी ला सकते हैं, मतलब एक जो तार होता है आपका उसके फॉर्म में लंबा भी कर सकते हैं खींच के। तो आपको चार पांच प्रॉपर्टीज ही होती हैं, लस्टर, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर मतलब हीट इसी से पास होती है, तो हीट पास करने के लिए आपके घर में क्या होता है, तार होता है, तार में क्या होता है, कॉपर होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि उससे हीट पास हो सकती है, जितने भी मेटल्स होते हैं उन्हीं से हीट पास हो सकती है। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या कह दिया है, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, मर्करी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, कुछ मेटल्स के एग्जांपल हैं। इनमें से सिर्फ मर्करी ऐसा है जो नॉर्मल पे, जो रूम टेम्परेचर पे बोल सकते हो आप कि लिक्विड में होता है, ये कह सकते हैं। मर्करी आपने पहले भी देखा होगा कई जगह, ठीक है। तो मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कि क्या होता है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, सॉरी। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के बारे में बात करें तो दे डू नॉट हैव लस्टर। अब जो जो प्रॉपर्टीज़ मेटल में थी वो नॉन मेटल्स में नहीं होंगी, ठीक है। तो दे आर नॉट लस्टर, दे आर नॉट मैलिएबल और डक्टाइल, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, दे आर नॉट सोनोरस, मतलब उन्हें उनके ऊपर कुछ मारने पर या फिर उनके ऊपर कोई चीज़ टच करने पे उनमें सोनोरस साउंड नहीं आता, टनने वाली आवाज़ नहीं आती है। एग्जांपल के लिए आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस ले सकते हैं, ठीक है।
अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलाइट्स, जैसा कि मैंने बताया कि मेटलाइट्स आर द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, मतलब कि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही मिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। ये लस्टर भी हो सकते हैं और हो सकता है कि मैलेबल और डक्टाइल ना हो सकता है ये गुड कंडक्टर हो हीट के, लेकिन सॉरी ये गुड कंडक्टर हो या फिर ना भी हो, कोई ऐसा फिक्स नहीं होता। तो मेटलाइट्स वो होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन आपने बहुत जगह सुना होगा कि जो आईसी चिप होती है आपकी वो सिलिकॉन की होती है जैसे, ठीक है। जर्मेनियम भी बहुत सुना होगा, बोरॉन तो आपका 5वें नंबर पे आ ही जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, अब कंपाउंड पढ़ते हैं हम लोग, ओके। ए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो देखिए कंपाउंड क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किससे मिलके बना होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बना होता है। और कैसे मिलता है, केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू और एक फिक्स रेशियो में। जैसे कि आपने वाटर का फॉर्मूला पता ही होगा, H2O लिखते हैं हम लोग ना, ये दो H और एक O उसमें होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है और O ऑक्सीजन को, तो हम क्या करेंगे, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, केमिकली कंबाइन करेंगे। अब लेकिन कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन लेंगे ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि H2O मतलब दो H होंगे और एक O होगा, तो हमेशा 2:1 में जब हम करेंगे तब हमें वाटर मिलेगा। यानी कि अगर 4H हैं तो 2O होने चाहिए, 2H है तो 1O होना चाहिए। इस तरीके से मतलब 2:1 में एक फिक्स्ड रेशियो में हमें हमेशा उन एलिमेंट को मिक्स करना है, तब हमारा कंपाउंड क्रिएट हो जाएगा, ठीक, केमिकली, ओके। एग्जांपल के लिए सबसे पहला वाटर ही लिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, सुगर, सॉल्ट, आयरन, सल्फाइड एक्सेट्रा, ओके। तो अब देखिए डिफरेंस बताया गया है, डिफरेंस किसके किसके बीच बताया गया, मिक्सचर एंड कंपाउंड के बीच में डिफरेंस बताया गया है। तो देखिए इसमें चार डिफरेंस हैं, चलिए देखते हैं। पहला डिफरेंस, इट इज़ कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर। इट इज़ कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट या फिर कंपाउंड का मिक्सचर हो सकता है। पर कंपाउंड क्या होता है, ये दो या दो से अधिक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है केमिकली, ठीक है। मिक्सचर में हम क्या करते हैं, चीनी और पानी को लेके सिंपली मिक्स कर देते हैं, ठीक है। मिक्सचर का मतलब हमने चीनी पानी लिया या कोई भी ऐसी चीज़ें ली तो हम उसे सिंपली हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन कंपाउंड क्या होगा, उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन करनी होगी, हमें एग्जैक्ट जो हीट चाहिए वही लेंगे, जो हमें टेम्परेचर चाहिए वो लेंगे, या फिर हमें जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए उस एटमॉस्फेयर में ही हम केमिकल रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इज इन एनी रेशियो, मतलब मिक्सचर में हम किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं, ठीक है। हम 4H मिला है, 5H मिला है, या फिर हम वाटर में कितना भी वाटर मिला दें और कितना भी नमक मिला दें, हम उसे मिक्स कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है, कंपाउंड क्या होगा, द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज इन अ फिक्स्ड रेशियो, मतलब कि कंपाउंड में जो हमारे कंपोनेंट होंगे उनका रेशियो फिक्स्ड होगा। अभी मैंने ऊपर बताया था ना, H2O का 2:1 है, तो हमेशा 2:1 करके ही हम वाटर बनाएंगे। अब मिक्सचर का थर्ड पॉइंट देखिए, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स एंड इट शोज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द कंपोनेंट्स, मतलब कि मिक्सचर में जो भी एलिमेंट जो भी कंपोनेंट मिले होंगे उसी की प्रॉपर्टीज दिखाएगा, पर कंपाउंड का कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आपने पानी और चीनी मिलाया, तो चीनी का जो
मेन बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है कि चीनी मीठी होती है, तो पानी और चीनी को जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, मीठा पानी बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसका स्वाद कैसा होगा, मीठा होगा। और वो स्वाद किसकी वजह से है, वो मिक्सचर के कंपोनेंट की वजह से है। मतलब कि मिक्सर के कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, चीनी है या पानी है, तो उसकी वजह से है। लेकिन H2O में H2O वाटर होगा, जबकि H2 और O2 ऑक्सीजन होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनको उनके उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं कंपोनेंट से। अब मिक्सचर में देखिए लास्ट पॉइंट, द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड। कंपोनेंट को हम फिजिकली भी सेपरेट कर सकते हैं और कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कर पाएँ, लेकिन कई बार हम कर सकते हैं मिक्सचर में, पर कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब वाटर में से आप अपने हाथ से एच और ओ अलग से तो नहीं निकाल सकते हैं, H2O फार्मूला होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक पानी की बूंद लें उसमें से एच अलग कर दें, ओ अलग कर दें। आपको केमिकली मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लैब में केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी, तब आपका एच और ओ अलग होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, अब सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, मतलब कंपोनेंट के सारे मिक्सचर को अलग करना, मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करना एक दूसरे से। अभी मैंने बताया ना कि जैसे कि H2O वाटर है, या फिर जो है क्या कहते हैं आपका चीनी और पानी मिक्स है, तो उसको अलग कैसे करेंगे। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स लगते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं, उसके थ्रू अगर हम वर्क करें तो हम उसे अलग कर सकते हैं। ये आपके लैब में भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जब आप जो है जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो आपके लैब में भी ये प्रैक्टिकल्स होंगे, ओके। तो ये सारा प्रैक्टिकल का है। अब देखिए इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं वो जान लेते हैं हम लोग। द कंपोनेंट ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड लाइक पिकिंग, स्लेविंग, फिल्ट्रेशन। मतलब जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो उन्हें तो क्या होता है कि उसमें हम सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप चावल में से कंकड़ बीनते हैं लोग, ठीक है। तो चावल बीनते हैं, चावल में से कंकड़ बीन के उसको अलग करते हैं सारी चीज़ें, तो वो क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, तो हम उसे सिंपली पिक कर सकते हैं। या फिर चीनी चाय में से चाय पत्ती निकालना हुआ तो हम क्या कहते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बट सम स्पेशल टेक्निक्स आर यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर लाइक। तो देखिए बाकी मिक्सचर को, मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उनको अलग करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं या फिर मेथड होते हैं, उनको उनके बारे में लिखा हुआ है और उनके बारे में ही आपको प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। जैसे इवेपोरेशन, वेपोरेट कर देना, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन, ओके, यूजिंग सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए ये सात मेथड है आपके पास, और इन सात मेथड को आपको पढ़ना है, ठीक है। और इनके इनमें से कोई भी जो है क्या कहते हैं मेथड आपके में आ सकता है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए ये मेथड आपको जो इसकी थ्योरी होगी वो तो मिल जाएगी, मैं आपको दे दूँगा। जैसे कि आपका इवेपोरेशन है, तो देखिए ये इवेपोरेशन का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूट बाय हीटिंग द मिक्सचर। मतलब इसमें हमें हीट करना पड़ता है इवेपोरेट, अब किसी भी चीज़ को इवेपोरेट करना है तो हीट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी जितने भी थ्योरी है वो हम मेरे पास मिल जाएगी और आपको ग्रुप पे भी सेंड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको जो प्रैक्टिकल करना होगा वो आपको स्कूल में लैब से करवाया जाएगा, ओके। सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया जैसे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन भी कर सकते हैं। डिकेंटेशन कैसे होगा वो भी आप पढ़ लीजिएगा। सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर,
प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलेशन। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। इसमें ये जितने भी जो थ्योरी वाले पोर्शन लिखे हैं ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, और बाकी अगर आपके स्कूल ओपन हो जाए तो एक बार जो प्रोसेस लिखे हैं जिस तरीके से, या फिर आपके बुक में भी ये सारे प्रोसेस लिखे हैं, तो उनके जो भी एक्टिविटी है उनसे रिलेटेड वो ज़रूर करिएगा। क्योंकि जब आप एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है कि आपको ज़्यादा समझ में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई चीज़, कोई स्टोरी है मान लीजिए, ठीक है, आप पूरे दिन रटते रहेंगे आपको नहीं याद होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री में ही काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन वहीं पे आप क्या कहते हैं, एक मूवी देख लीजिए। अब मान लीजिए बाहुबली आपने मूवी देखी, अगर बाहुबली हिस्ट्री का कैरेक्टर होता और हिस्ट्री में लिखा होता तो आपको कभी नहीं याद होता, लेकिन क्योंकि वो एक मूवी थी तो आपको स्टोरी अच्छे से याद है। तो जो चीज़ें हम लोग विजुअली देखते हैं, ठीक है, सामने अपने, उसे हम बेहतर याद कर पाते हैं। इसलिए आप क्या करो कि जब भी आपका प्रैक्टिकल हो जाए, या फिर कई ऐसे चैनल हैं जिसमें कि प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, तो उस प्रैक्टिकल को आप देखो और समझो, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी थ्योरेटिकल के लिए मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, इससे आप प्रॉपरली सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है, और लिख भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।